हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खोदवाइज विद आरबी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाया हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू बिल्ड द म्यूजिक स्टोर पेज यूजिंग एचटीएमएल ओनली। एंड आई होप यू कैन जॉइन योर क्लास, एंजॉय लाइक माय वीडियो, शेयर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मैं आपका ज्यादा टाइम खींचता नहीं हूं, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था आपसे, मैंने आपको दिखा दिया था क्या बनाने वाले, तो चले आइए अभी हम लोग ओपन वेट कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये बनाने जा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, ये मैंने बनाया हुआ, लेकिन ये मैंने अगली वीडियो में बनाया था, लेकिन ये हमने HTML और CSS को यूज करके बनाया था। ये बस आज मैं HTML को यूज करके आपको ये बना के दिखाऊंगा। ये म्यूजिक स्टोर पे आप ये देख सकते हैं, ये बना के दिखाऊंगा। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसे साइड बाय साइड कर दूंगा, इसे डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे जाऊंगा ओपन विद ट्यूशन अदर ऐप, नीचे जाऊंगा सब लाइन टेक्स्ट एडिटर, कंट्रोल ए, एरेस सेव कर दूंगा। अब सेव करने के बाद यहाँ पे जाऊंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश, तो आप भी देख सकते हैं। अब मैं HTML लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले म्यूजिक स्टोर पेज, और जब आपका इतना हो गया तो आपको एक्सेल बने डिप लिख देना है। क्लास आपको लिखना है कंटेनर स्लैश फुल, एंड आपको फिर एंटर दबाना है। सॉरी, आपने इसकी गलत में स्पेलिंग इनकरेक्ट लिख दी है, LUID। ओके, अब एंटर दबाना है। अब एंटर दबाने का डिप दे देना है। क्लास आपको नेवर दे देनी है एंटर, फिर UL, फिर LI, फिर ए एच एस में आपको एडिट देना है। यहाँ पे आपको लिख देना है माई टून्स, यहाँ पे आपको जाना है, इसे कॉपी करना है, पेस्ट 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 पेस्ट, इरेज करना है ओवर व्यू, और फिर से जाना है, फिर यहाँ पे लिख देना है म्यूजिक और फिर यहाँ पे आपको लिख देना है वीडियो और यहाँ पे आपको लिख देना है गिफ्ट कार्ड, एंटर एंटर देव दे देना है। क्लास आपको देना है शोकेस, एंटर दबा देनी है। एंटर दबाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहीं पे आपको इजी से लिखना है देव क्लास शुड बी कंटेंट, एंटर H1 में आपको लिख देना माय टूल्स, सेव करना है, रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं इतना हमारा आ चुका है और यहाँ पे ट्यून्स कर दिया। और फिर यहाँ पे आपको एंटर दबाना है, H2 लिख देना है, H2 में आपको लिख देना है योर म्यूजिक कॉमा मूवीज कॉमा एंड टीवी सोर्स सेंटर स्टेज पॉइंट लगा दिया। अब आपको यहाँ पे जाने के बाद पी लिख देना है, यहाँ पे आपको लिखना माय टून्स, यहाँ पे मैं अपना पैराग्राफ उठा लेता हूँ, ये वाला, ये मैंने पी अपना उठा लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब सेव करें, रिफ्रेश, आप दे सकते हैं इतना हमारा आ चुका है। अब आपको पैराग्राफ भी आपने लिख दिया, तो आपको दो देव के नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। आपको लिखना है देव क्लास शुड बी सेक्शन सेक्शन माइनस टू, एंटर दबा देना है, H1 दबाना है। H1 में आपको सबसे पहले यहाँ पे ये जो म्यूजिक का आपके पास ये आइकॉन है, ये उठा लेता हूँ मैं और पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यूजिक म्यूजिक, सेव किया, रिफ्रेश, आप भी देख सकते हैं इतना हमारा आ चुका है। अब मैं यहाँ पे एंटर H2 दबाता हूँ, H2 में आपको लिखना 45 मिलियन सॉन्ग डॉट जीरो एच डॉट, और फिर आपको एंटर, फिर आपको पी दबाना है, और फिर मैं एक पैराग्राफ उठा लेता हूँ, ये वाला मैं पैराग्राफ उठा लेता हूँ
और फिर उठाने के बाद इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जब आपका इतना हो गया तो एंटर बटन आपको दे देनी है। बटन मैं क्लास देता हूँ बटन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट योर ट्रायल। और जब आपका इतना हो गया तो आपको करना क्या है, नाउ एंटर दबाना है, पी दे देना है ऑरेंज, म्यूजिक इज अवेलेबल अवेलेबल। और फिर यहाँ पे आपको लिख देना है इफ माई टूल्स, यहाँ पे आपको लिखना है एंड फॉर आई ओ एस, और फिर यहाँ पे एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस। और फिर जब इतना हो गया तो आपको डॉट लगा देना है, और फिर यहाँ पे आपको एंटर दबाना है। फिर आपको एंटर दबाने के बाद यहाँ पे इमेज शेयरिंग दे देनी है, इमेज शेयरिंग में दे रहा हूँ मॉकअप, मॉकअप आपको दे देना है 1.png। और यहाँ पे ऑल्ट आपको दे देना है इमेज स्लैश 2, विड्थ आपको दे देनी है 80%। और फिर यहाँ पे एंटर एंटर, फिर आपको दे देनी है क्लास, आपको सेक्शन दे देना है, सेक्शन शुड बी 3। अब एंटर h2 आपको दे देना है द मूवी एंड टीवी कलेक्शन यू ऑलवेज विशेड इट फॉर डॉट ग्रांटेड। और फिर यहाँ पे आपको फिर पॉइंट कॉमा और जब आपका इतना हो गया, अब फिर आप आपको h2 के नीचे आके p पे दबा देना है। अब मैं पैराग्राफ उठा लेता हूँ, वेट ये वाला मैं पैराग्राफ उठा लेता हूँ। मैंने पैराग्राफ उठा लिया, अब यहाँ पे पैराग्राफ उठाने के बाद एंटर एंटर बटन आपको दे देना है, बटन क्लास में आपको बटन 1 दे देना है। यहाँ पे आपको लिखना है रीड मोर, आपको फिर एंटर br दबाना है, फिर एंटर, फिर इमेज शेयरिंग आपको दे देनी है मॉकअप 1db/2.png, ऑल्ट आपको इमेज दे देना है इमेज 3, वेट 70%, एंटर दे क्लास सेक्शन 4, एंटर दे क्लास कंटेंट -1, एंटर लेमा वर्क इज डन। तो आपको अब करना क्या है, यहाँ पे एंटर h2 पे लिख देना है। अब h2 का भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं, आवर्ड आप पैराग्राफ भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब पैराग्राफ हमें कॉपी करना है, अब हम ये वाला पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, अब सेव करें, रिफ्रेश। तो अभी देख सकते हैं इतना हमारा आ चुका है। अब आपको करना क्या है, इतना हो गया तो आपको फिर यहाँ पे एंटर दबा के एचएल दबा देना, फिर एंटर, फिर बटन आपको क्लास आपको दे देनी है बटन -2, सॉरी क्लास भी बटन -2। अब फिर यहाँ पे आपको जब इतना हो गया तो आपको यहाँ पे बी लिख देना है, सॉरी यहाँ पे आपको बी
बी, यहाँ पे आपको, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, हमने चेक कर लिया सबसे पहले। यहाँ पे हमारी बटन में हम लोग लिख देते हैं, बटन टू शुड बी रिडीम। रिडीम ओके, अब सेव, अब रिप्रेस, रिडीम ओके, हमारा इतना आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे कंटेंट वन, अब जब आपका इतना हो गया तो सो सॉरी, यहाँ पे आपको करना क्या है, आप वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, जब आपका इतना हो गया तो आपको ये सब आपको सिर्फ कॉपी करके इरेज कर देना है। अब आपको करना क्या है, जब आपका वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट हो गया तो आपको नीचे आगे डिव दे देना है, क्लास आपको इस बार दे देनी है सेक्शन -5। अब 5 देने के बाद एंटर आपको देना है, डिव लिख देना है, क्लास आपको कार दे देनी है एंटर, इमेज शेर एक आपको दे देना है cars.png, यहाँ पे आपको ऑल्ट भी दे देना है cars.image, इमेज और फिर यहाँ पे आपको आगे जाना है, फिर यहाँ पे लिखना है विड्थ 100%, फिर आपको एंटर दबाना है, डिव दे देना है, फिर क्लास आपको कंटेंट कंटेंट -2 दे देना है एंटर, S2 में आपको दे देना है गिफ्ट कार्ड एंटर, P में आपको लिख देना है लॉरेम, सो हम नीचे जाते हैं, नीचे सेक्शन 4 1, मैं थोड़ा नीचे गया, यहाँ पे मैं सबसे पहले जो फुल स्क्रीन कर लेता, हमने क्या क्या नहीं लाए ट्यून्स के नीचे, ओके हाँ ओके, नॉट प्रॉब्लम। सो चले हम आवर के डन, सो नाउ हेयर वी कैन गो हेयर इरेज हिम, गो देयर एंड कॉपी दैट ऑल, आई कॉपी दैट पैराग्राफ, देन सेव, देन रिफ्रेश, सो हियर यू कैन सी इट, टिल आई एम वर्क इट डन, सो नाउ टिल आई एम वर्क इट डन, सो आई गो टू द डाउ एंड टिल डन, सो नाउ आई विल एंटर प्रेस एंड हियर यू कैन राइट आई द अनदर पी एंड इट इज आल्सो लॉरेम बट आई अरेंज हिम हियर। And it is, and then enter HR, enter button, class button -2, and then you can write redeem, and here we can write right like B, and then here we can write, sorry, okay, so I will save here, then refresh, so here you can see it, till my work is done, so I will see it is okay. So it is okay, so I will write now as CSS code style erase 50%,
हमारी सारी चीजें आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग लिखेंगे सीएसएस की कोड। सबसे पहले बॉडी लिखेंगे, मार्जिन आपको दे देनी है 0। अब जब आप मार्जिन 0 दे दें तो आप पैडिंग भी 0 देंगे, फॉन्ट फैमिली को आप लेटो दे देंगे, और फिर आपको कॉमा सेंस सेरिफ लिख देना है, और फिर आपको एंटर फॉन्ट साइज आपको दे देना है 20 पिक्सल, एंटर डॉट कंटेनर आपको फिर फील्ड एंटर आपको दे देना है, मार्जिन आपको दे देनी है 0, पैडिंग आपको दे देनी है 0, एंटर एंटर डॉट नेवबार गलत आपका 100%, एंटर आप यहाँ पे आपको पोजीशन फिक्स दे देना है, एंटर बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर आपको दे देना है #252529, एंटर डॉट नेवबार यूएल शुड बी डिस्प्ले शुड बी फ्लैक्स ओवरफ्लो शुड बी ऑटो एंटर एंटर डॉट नेवबार शुड बी यूएल एल आई पैडिंग 0 पिक्सल्स 25 पिक्सल्स एंटर लेट स्टाइल शुड बी नन एंटर एंटर सो नाउ टू ले एम एम इट की डन So now here we can write navbar dot navbar L I N A should be text decoration should be none enter color should be white and enter showcase enter display should be flex height 100 VH enter background URL सो केस डॉट जेपीईजी एंड मैं लिख देता हूँ नो रिपीट सेंटर स्लैश कवर फिक्स्ड एंटर कलर वाइट कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर टेक्स्ट अलाइन शुल बी सेंटर सेव रिफ्रेश। तो अभी देख सकते हैं ये इतना हमारा तकरीबन हो चुका है, अभी देख सकते हैं, लेकिन ये अभी सही से हुआ नहीं है तो अभी हम कर देते हैं। डॉट कंटेंट आपको हो गया, और फिर यहाँ पे आपको दे देना है लाइक मार्जिन आपको दे देनी है ऑटो फॉन्ट साइज दे देना है 25 पिक्सल एंटर डॉट कंटेंट पी एंटर पैडिंग 20 पिक्सल 50 पिक्सल एंटर एंटर डॉट सेक्शन 2 एंटर बैकग्राउंड कलर है 2x2x29 Enter text align should be center and color should be white okay and enter dot section -2 H1 enter। तो आप भी देख सकते हैं इतना हमारा आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको padding दे देनी है 20 pixels enter margin 0 एंटर एंटर डॉट बटन आपको दे देनी है पहले 20 पिक्सल 30 पिक्सल एंटर बैकग्राउंड कलर शुड बी रेड एंटर बॉर्डर आपको दे देना है 0 फॉन्ट साइज आपको दे देनी है 20 पिक्सल कलर आपको दे देना है वाइट फिर आपको एंटर फिर एंटर डॉट सेक्शन 2 शुड बी पी एंटर पैडिंग 20 पिक्सल 50 पिक्सल एंटर डॉट सेक्शन -3 एंटर टेक्स्ट अलाइन एंटर
एंटर अलाइन आइटम थ्री सेंटर एंटर डॉट बटन एंड माइनस वन वन एंड यू कैन राइट बैकग्राउंड कलर रकब 22 22 कॉमा 100 एंटर कर देंगे। आपको दे देनी है 20 पिक्सल्स। एंटर कलर आपको दे देना है वाइट। एंटर बॉर्डर आपको दे देना है 0। एंटर मार्जिन 20 पिक्सल्स। एंटर फॉन्ट साइज आपको दे देनी है 20 पिक्सल्स। एंटर डॉट सेक्शन 3H2 4। और जब इतना आपका हो गया आपको लिख देनी है पहले 20 पिक्सल। दो सेक्शन आपको दे देनी है सेक्शन 3P पहले 20 पिक्सल 200 पिक्सल। एंटर फॉन्ट साइज आपको दे देना है। फॉन्ट साइज हम ले देते हैं 25 पिक्सल। एंटर अब यहाँ पे आपको लेना है दो सेक्शन शुल बी 4। एंटर कलर आपको दे देना है वाइट। एंटर हाइट 600 पिक्सल। एंटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर बैकग्राउंड URL सेक्शन सेट bg.jpeg सेक्टर कवर नो रिपीट फिक्स डॉट कंटेंट 1। आपको 1 दे देना है कंटेंट फिर एंटर डालना है 35 10 सेंटर। मार्जिन आपको दे देनी 100 पिक्सल्स। पैडिंग आपको दे देनी 100 पिक्सल्स। एंटर डॉट सेक्शन में आपको -4H2 पे आपको दे देना है फॉन्ट फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज आपको देना है 32 पिक्सल। एंटर पेरेंट 10 पिक्सल 80 पिक्सल सेव रिफ्रेश। तो अभी देख सकते हैं इतना हमारा हो चुका है। अब बस हमें इसे हाईलाइट करना है। आप ये देख सकते हैं इतना पूरा हमारा हो चुका है तकरीबन। एंटर दबाना है। इधर आपको लिख देना है सेक्शन 4P। एंटर फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। पैडिंग 20 पिक्सल 100 पिक्सल। एंटर डॉट सेक्शन 5। एंटर पैडिंग 20 पिक्सल 150 पिक्सल। डिस्प्ले फ्लैग 65 कंटेंट स्पेस अराउंड डॉट कंटेंट आपको दे देना है डॉट कंटेंट 2 -2 डॉट कंटेंट। विड्थ आपको दे देनी है 90%। पैडिंग आपको दे देनी है 20 पिक्स पैडिंग 20 पिक्सल 50 पिक्सल सेव किया रिफ्रेश। तो अभी देख सकते हैं हमारे सब कुछ सही हो गया। लेकिन अभी हमारी बटन का हमें सही से कर देना है। अब और यहाँ पे हमें लिख देना है डॉट बटन -2 आपको दे देना है। टेक्स्ट डेकोरेशन में दे देता हूँ पहले नन। ऐसा करता हूँ नन दे देना। बॉर्डर भी मैं नन ही दे देता हूँ। और यहाँ पे फॉन्ट साइज में इसकी दे देता हूँ। आप चाहे कुछ भी दे सकते हैं। मैं 20 पिक्सल्स दे देता हूँ। बैकग्राउंड आपको दे देना है नन नन आपको। एंटर कर्सर आपको दे देना है पॉइंटर सेव
रिफ्रेश अभी देख सकते हैं हमारे इतना आ चुका है, और जब आप फुल स्क्रीन करेंगे तो अभी देख सकते हैं हमारा इजीली से बन चुका है। आप कैसे बना सकते हैं म्यूजिक स्टोर पे, आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया, बिल्कुल सेम बनाया हमने, आप देख सकते हैं जैसा ये वाला है अब वही वैसा ही वो वाला अभी देख सकते हैं, बिल्कुल सेम बनाया। आज की वीडियो में हमने बनाया था म्यूजिक स्टोर पे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई उससे वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।